हेलो फ्रेंड्स, HTML के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि एनिमेशन करते कैसे हैं, अब हमने एनिमेशन तो बनाना सीख लिया, अब बैकग्राउंड के साथ उसे कैसे लगाते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीन बैकग्राउंड इमेजेस ले रखे हैं, एक मेरा ये है, एक मेरा ये है और एक मेरा ये है। तो पर्टिकुलरली मैं तीन इमेजेस के साथ खेलूंगा। इसमें मेरा बैक इमेज जो है वो जेपीजी टाइप का है, ये पीछे रहेगा मेरे स्क्रीन के पीछे। सेकंड इमेज जो रहेगा ये उसके आगे रहेगा, और उसके बाद मेरा कैनवस रहेगा जो मैं डायनासोर बनाऊंगा वो कैनवस, और उसके बाद मेरा ये ग्राफ रहेगा। तो बेसिकली मतलब चार मेरे लेयर्स रहेंगे इस मॉड्यूल को बनाने में। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं index.html पेज पे। सबसे पहले मैं एक कंट्रोल क्लास बना लेता हूं, इसके बाद मैं बनाऊंगा एक बैकग्राउंड क्लास। इस बैकग्राउंड क्लास में मैं एक फॉरेस्ट का मैं ये बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ये बैकग्राउंड क्लास को ही इनहेरिट करेगा। ठीक है, और इसकी मैं आईडी कर देता हूँ फॉरेस्ट, क्योंकि ये फॉरेस्ट वाली लेयर को दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा ये कैनवस जिसमें मेरा डायनासोर रहेगा, और इस कैनवस के जस्ट बाद मतलब जस्ट उसके आगे क्या रहेगा, मेरा ग्रास। तो ये भी मैं बैकग्राउंड क्लास को ही ये भी इनहेरिट करेगा, इसकी मैं आईडी कर देता हूँ ग्रास। ठीक है, सो इतना मेरा बनके तैयार हो गया। इसमें कंट्रोल्स मेरे बटन्स रहेंगे, ये मेरा बैकग्राउंड रहेगा, ये आईडी इक्वल टू इसकी मैं बैक बीजी रख देता हूँ जिसमें मेरा ये रहेगा बैक बीजी। ठीक है, उसके आगे मेरा ट्री वाला रहेगा ये फॉरेस्ट, और उसके बाद कैनवस, और फिर ये ग्रास। ठीक है, मेरा HTML पे जाता हूँ मैं। ठीक है, अब चलते हैं CSS पे। ये मेरा CSS है। अब इसमें मैं सबसे पहले ये बैक बीजी का मैं CSS लिख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स दे देता हूँ। हाइट क्या रहेगा इसका, हाइट रहेगा 100 VH रहेगा। ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज क्या रहेगा, URL इमेजेस से मैं बैक बीजी ले लूँगा। ठीक है, और पोजीशन मेरा कर देना तुम रिलेटिव। ठीक है, यही मेरा इस पर भी रहेगा पैक बीजी, ये मेरा फॉरेस्ट का रहेगा। इसमें ट्री डॉट png रहेंगे, और ये vh ठीक है, रिलेटिव ठीक है। अब इसी तरह मेरा ग्रास रहेगा, ग्रास हाइट ठीक है। ये ग्रास का जो हाइट है, ये ग्रास का है, ये है छोटा सा, तो मैं इसे पूरा हाइट नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं CS पे जाता हूँ, मैं 100 px के करीब इसका हाइट मैं देता हूँ। ठीक है, और पोजीशन जो होगा वो एब्सोल्यूट रखता हूँ, और ये अभी मैं एक टॉप से मैं सोचता हूँ कि कुछ भी रख देता हूँ, मतलब 88% रख देता हूँ। ठीक है, या सपोज 80% रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ग्रास का ही हो गया। अब जो क्लास मैंने बैकग्राउंड क्लास बनाई है, उसके लिए मैं एट्रीब्यूट्स ले लेता हूँ। बैकग्राउंड साइज क्या रहेगा, बैकग्राउंड साइज इसका मैं कंटेन कर देता हूँ
विड्थ जो है ये मैं 1200, क्योंकि मैं एनिमेशन लगाने वाला हूँ तो विड्थ 100% नहीं रहेगा, इसी के लिए मैंने इसे अप्रॉक्सीमेटली 1200 मतलब परसेंटेज का मैंने ये ले रखा है। ये मैंने क्यों रख कर रखा है ये आपको जब मैं ये बना लूँगा तब तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों दे रखा है। बैकग्राउंड रिपीट रहेगा, बैकग्राउंड रिपीट, ये रिपीट एक्स के एक्स डायरेक्शन में ये रिपीट कर देना पड़ेगा। ठीक है, ओवरफ्लो कंडीशन को हिडन रखता हूँ, ओवरफ्लो एक्स को हिडन रखता हूँ, स्क्रॉल बार नहीं आए इसके लिए। ठीक है, अब इतना तो मेरा बन गया, अब हम जरा इसे रन करके देखें कि ये अभी दिखता कैसे है। हाँ तो ये आ गया हमारा, ये नीचे में ये वाली चीज़ क्यों है, ये हो रही है, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ करा है, ग्रास नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, मैंने यहाँ पर ट्री दे रखा है ग्रास, और ये थोड़ा सा और नीचे होगा, तो कितना नीचे होगा एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ। ये मेरा ग्रास आ गया, इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल, कंसोल पे जाके ये ग्रास को कितना दे दूँ, एलिमेंट्स पे जाओ, ये ग्रास ये 80 है, अप्रॉक्सीमेटली ये 85 पे आ गया, तो मैं इसे 85 दे देता हूँ। ठीक है, फिर मैं फिर से कर लेता हूँ, इसे मैं 85% दे देता हूँ। हाँ अब ठीक है, जैसे मेरा ये डायनासोर गया कहाँ, डायनासोर जरूर मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने डायनासोर वाले एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से टॉप मैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ, 70%। ठीक है, लेफ्ट 50% है, ट्रांसफॉर्म है शायद, ट्रांसफॉर्म के लिए शायद नहीं आ रहा हो, विड्थ और हाइट घटा देता हूँ 380। मैं रैंडम नंबर ऐसे ही, मैं सिर्फ डायनो को प्लेस करने के लिए मैं सिर्फ ये चेंजेस कर रहा हूँ कि मेरा इसके बाद डायनो आता है कि नहीं, एक बार चला के देखते हैं। हाँ अब मेरा ये डायनो आ गया। ठीक है, इतना देर तक तो ठीक है, ये अब मुझे इसे प्लेस करना है यहाँ। मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रास दिखेगा मुझे। ये मैंने 85 कहाँ पर लिया है, मैंने 88 ले लेता हूँ। हाँ अब ज़मीन मुझे थोड़ी सी दिखी, अब मैं इसे इस ज़मीन पे ही दौड़ाऊँगा। सो क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करके टॉप से फिर से मैं इसे यहीं पर ले आता हूँ साइड बार में, टॉप से कितने पे, इतना पे ठीक रहेगा। ठीक है 83%, ठीक है 83% मैं कर देता हूँ, कहाँ 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 83% यहाँ। हाँ बढ़िया, मिडिल पे भी आ गया, और ये इतना दूर तो हमारा हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है इसे मूव कराना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लेयर्स के साथ खेल रहे हो तो ये जो सामने वाला जो आपका लेयर है ना, ये थोड़ा सा स्पीड भागेगा, ये जो लेयर है ये उससे थोड़ा सा स्लो भागेगा, और पीछे वाला चीज और स्लो भागेगा, तो मैं पीछे वाले चीज़ को, जो मेरा पीछे वाला जो जेपीजी है बीजी नाम का, उसे मैं कांस्टेंट रखूंगा, इसकी स्पीड थोड़ी सी मैं ज़्यादा रखूंगा, इसकी स्पीड थोड़ी सी मैं कम रखूंगा। ठीक है, अभी तो ये टॉप वाला चीज मतलब ये आइडल कंडीशन पे है, मैं इसे सबसे पहले ना वॉक कंडीशन पे मैं रखता हूँ, वॉक कंडीशन पे मैं रखने के लिए मैं ये सब मेरा बंद कर देता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये मैं जहाँ पर ये स्टॉप है ना, मैं यहाँ पर वॉक कर देता हूँ, तो मेरा ये चलता हुआ आएगा कुछ। ठीक है ये देखो यार चल रहा है ना कैसे मस्त। ठीक है,
सो अब मैं CSS पे जाता हूँ अपने। CSS पे मैं जाने के लिए यहाँ यहाँ ये क्या कर रखा है मैंने, एकदम यहाँ पर रिपीट एक्स होगा, ठीक है, और ओवरफ्लो एक्स जो होगा, ओवरफ्लो एक्स इधर, कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, नहीं फर्क तो नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ पर एनिमेशन लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं की फ्रेम का यूज़ करूँगा। यहाँ की फ्रेम्स लिखता हूँ, की फ्रेम्स, और की फ्रेम्स में मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ मूव फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट को मूव करेगा। क्या करना, 100% वैसे तो यहाँ पर आप जितने परसेंट पे जो जो करवाना चाह रहे हो वो लिख सकते हो, जैसे 0% पे क्या होगा, 50% पे, 20%, 25% पे क्या होगा, तो ऐसे ऐसे करके आप ये कर सकते हो। तो मैं अभी 100% पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ। तो 100% पे क्या होगा कि तुम ट्रांसलेट कर दो, ट्रांसलेट, एक मिनट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर दो, एक्स एक्सिस को ये मैं -900, एक रैंडम नंबर मैं ये कर रहा हूँ, VW व्यूपोर्ट विड्थ, ठीक है, ये फॉर्मेट कर दोगे डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट कर दोगे। अब ये जो मैंने एनिमेशन लिखा है ये मैं कॉल करूँगा, कहाँ कॉल करूँगा, यहाँ बैक बैक बीजी मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा फॉरेस्ट और ग्रास में। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, एनिमेशन, कौन सा एनिमेशन, मूव फॉरेस्ट वाला यार, ये मूव फॉरेस्ट वाला एनिमेशन कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, और ये फॉरेस्ट मूव कर रहा है तो मैं अभी इसे 500 सेकंड ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, और ये कितना बार चलेगा, इनफाइनाइट। अब इससे मेरे को फास्ट ये रखना है मेरा ग्राफ, यानी कि ये रहेगा 300। अब चला के देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं, देखते हैं। ये देखो कैसे मूव हो रहा है, ये मेरा पीछे का बैकग्राउंड ये मूव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों साथ ही में मूव हो रहे हैं ना। तो मैं देखो इस पे ना और कमा देता हूँ उसे, और बढ़िया से पता चलेगा। ये देखो अब फास्ट चल रहा है, ये चल रहा है, और ये पीछे वाला मेरा कॉन्स्टेंट है। आप इसे भी चाहो तो दे सकते हो, ये भी अगर एनिमेट करवाना चाह रहे हो तो इसे भी एनिमेशन दे सकते हो। इसे मैं कितना एनिमेशन दे दूँ, 700। ये देखो ये भी मूव कर रहा है, ये भी, अब ये भी। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें बटन ऐड करूँगा जो मेरे एक्टिविटीज़ को बताएगा कि ये कौन सा एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे आइडियल कंडीशन में है या वॉक कर रहा है या जंप कर रहा है या जो भी कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बटन्स ऐड करूँगा, और उसके बाद उस बटन के क्लिक पे मैं ये इवेंट फायर करूँगा और देखूँगा कि ये एनिमेट कैसे हो रहा है। तो चलते हैं उसके HTML पे। ये मेरा HTML पेज है, यहाँ पर मैंने अपने कंट्रोल्स के लिए डिव बना रखा है। अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से मैं बटन बना लेता हूँ अपने, बटन ID इक्वल टू यहाँ स्टॉप, ठीक है, और ये स्टॉप स्टॉप का रहेगा, तो मेरे कितने इवेंट्स हैं वैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इवेंट्स हो गए मेरे। मैं एक म्यूट के लिए बनाऊंगा बटन, और एक ऑटो के लिए जो कि सारा परफॉर्म करेगा। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वॉक कर देता हूँ, ये वॉक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ रन बनाऊंगा रन के लिए, फिर मैं रन के बाद जंप,
फिर डाई डाई के लिए फिर बनाऊंगा मैं यहाँ ऑटो। और ये मेरा ऑडियो को म्यूट करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, अभी तो मैं ऑडियो डाला नहीं है, जब डालूँगा तो फिर मैं ये करूँगा। इतना ये बटन्स तो मैंने बना लिए हैं, अब ये बटन्स आ भी रहे हैं कि नहीं देखता हूँ। ये कहाँ बटन्स आ गए, ये तो मुझे डेकोरेट करना पड़ेगा अब। तो मैं जाऊँगा, ये क्या है, कंट्रोल क्लास है ना, स्प्राइट सीएसएस के कंट्रोल क्लास। अच्छा, कंट्रोल क्लास के लिए मैंने बनाया ही नहीं है। कंट्रोल क्लास, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल क्लास के लिए पोजीशन मैं एब्सोल्यूट ही रखूँगा। 83% ठीक है, 50% ये भी ठीक है। एब्सोल्यूट टॉप से इतना 83 नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे ही होगा, 20%। लेफ्ट से 50% ठीक है। और ट्रांसफॉर्म एक ही कर रखता हूँ, ठीक है। अभी तो कंट्रोल्स क्लास को ही डिफाइन करता हूँ। हाइट विड्थ मैं अभी नहीं दूंगा, मैं कंट्रोल्स के बटन्स को हाइट विड्थ दूंगा, मैंने कंट्रोल क्लास को ये कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, इतना जेड इंडेक्स देता हूँ क्योंकि मुझे आगे रखना है बटन्स को। ये इतना करके कहाँ है, हाँ ये इतना तो आ गया। अब इस कंट्रोल क्लास के बटन्स को मैं डेकोरेट करूँगा। तो मैं यहाँ मैं बटन लिख देता हूँ बटन, और यहाँ पर मैं विड्थ और हाइट दे दूँगा। विड्थ और हाइट, विड्थ कितना, 100 पिक्स दे देता हूँ, हाइट 55। पोजीशन तो पोजीशन एक दूसरे से रिलेटिव होना चाहिए। कलर अभी वाइट चाहिए मुझे, ब्लैक आ रहा है। बैकग्राउंड कलर मैं रेड लिख देता हूँ अभी, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट वेट दे देता हूँ कुछ, फॉन्ट साइज दे दूँ, फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ कुछ 18। ना पहले चला के हम देखते हैं कि क्या होता है। ये ऐसा कैसे आ गया, मैं कर्विस थोड़ा सा दे दूंगा यहाँ पर, मैं बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 50%, हाँ ये आ गया। लेकिन ये नीचे क्यों आ रहा है, इसे मुझे ऊपर करना पड़ेगा। अब ऊपर के लिए मैं क्या करूँगा वो देखता हूँ, ऊपर कंसोल करके देखते हैं। एलिमेंट्स को ठीक है, मैं कंट्रोल पे जाता हूँ, ये लेफ्ट है ना, इसे मैं हाँ 45 कर देता हूँ। इसे स्क्रीन पे 45, लेफ्ट को मैं यहाँ पर 45 कर देता हूँ, हो गया। ये बटन के अलाइनमेंट सही हो गई है। अब हर बटन के क्लिक पे मुझे एक्टिविटीज़ लिखनी है, ठीक है। तो मैं फंक्शन बनाऊंगा एक, जिसमें मैं इसके इवेंट को लूँगा, मतलब ये कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसे लूँगा एक पैरामीटर के रूप में। एक लूँगा मैं ये जो ग्रास जो जा रहा है वो कितने सेकंड्स का होगा, और एक ये जो मेरा फॉरेस्ट है ये इसका टाइम लूँगा कि ये कितने सेकंड्स में जाएगा। मैं पीछे वाले को अभी कॉन्स्टेंट रखता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, और जहाँ मैंने ये जो लगाया है बैटरी से मैं सबसे पहले हटा देता हूँ, और अपने
ये स्क्रिप्ट पे अब हम बनाते हैं फंक्शन। तो मैं फंक्शन लिखूंगा ये चेंज डायनो स्टेट। ये कैसा कैसा फंक्शन रहेगा, इसमें मैं एक्टिविटी की पैरामीटर लूँगा। तो इनपुट नेम मेरा क्या होगा, उसके बाद बैक जो मेरा फॉरेस्ट का वो ड्यूरेशन क्या होगा, यानी फॉरेस्ट ड्यूरेशन, और ग्रास का ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। और ये हो गया मेरा, ये डायनो स्टेट है। डायनो स्टेट में तुम भर देना जो इनपुट मेरा आया है, तो मेरा इनपुट चेंज हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तुम ग्रास नहीं फॉरेस्ट कर लेना है, फॉरेस्ट के एनी फॉरेस्ट के स्टाइल डॉट एनिमेशन ड्यूरेशन जो होगा, इसे तुम जो पैरामीटर में आएगा वो कर देना, यानी फॉरेस्ट ड्यूरेशन। इसी तरह ग्रास का भी तुम करना। ये मेरा रहेगा ग्रास का, इसका तुम्हारे को करना है ग्रास का ड्यूरेशन, ठीक है। ये डायनो स्टेट आ जाएगा इसमें, और ये मेरा ठीक है। अब यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, ऑन क्लिक इक्वल टू कौन सा फंक्शन मैंने बनाया अभी, चेंज डायनो स्टेट। सो चेंज डायनो स्टेट इसमें मेरे को तीन पैरामीटर चाहिए होंगे, तो पैरामीटर मैं दे देता हूँ स्टॉप। अब स्टॉप में है कि मेरा ये स्टॉप रहना चाहिए, मतलब ये पूरे की पूरी चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। तो मैं ना एकदम मतलब ज़्यादा सेकंड्स ले लेता हूँ, जिससे फ़र्क ना पड़ेगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वरना मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो ये एरर शो कर देगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर वो एनिमेशन ड्यूरेशन मांग ही रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं वॉक के लिए भी कॉपी पेस्ट, रन के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, अभी मेरे पास पांच ही के लिए मैं कोड कर रहा हूँ। ऑटो और म्यूट मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। यहाँ स्टॉप की जगह पे मैं वॉक करूँगा, रन भी कॉ जम्प डाई, ठीक है। अब यहाँ पर वॉक के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा फॉरेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 300 सेकंड्स कर देना, और जो मेरा इसका ड्यूरेशन है ये 200 सेकंड्स कर देना। रन में थोड़ा सा और स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसे तुम कर देना 150 सेकंड्स, और ये उससे ज़्यादा मतलब सेकंड्स कम होंगे ये ग्रास का ड्यूरेशन, तो ये 100 कर दो। जंप के लिए तो तुम 70 ले लो, क्योंकि वो बहुत स्पीड से पार होगा ना जी। और डाई के लिए देखते हैं कि क्या करेंगे यहाँ पर, अभी के लिए तो इतना ही करते हैं, देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं। हाँ, मेरे स्टॉप पे ये पूरी स्टॉप ही लग रही है, वॉक ये देखो वॉक पे चल रही है बस। रन थोड़ी सी फास्ट हो गई, जंप और फास्ट हो गई, डाई पे देखो ये थोड़ा सा ना जल्दी हो रहा है डाई पे, और ये बार बार लूप हो रहा है। एक बार मरने के बाद फिर से ये कैसे जिंदा हो जा रहा, तो ये से काउंटर करना पड़ेगा कुछ, ठीक है।
मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने स्क्रिप्ट पे, और स्क्रिप्ट के ऊपर में जहाँ पर मेरा ये रिकर्सिव फंक्शन मैंने लिख रखा है वहाँ पर मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता है, क्या लिखता हूँ कि इफ मेरा डायनो स्टेट अगर मेरा क्या हो, डाई हो, और पोजीशन पोजीशन भी मुझे चेक करना पड़ेगा ना। अब फ्रेम्स कितने हैं डाई के लिए, ये 8 है, यानी कि पोजीशन 7 से होंगे क्योंकि ये 0 से लेता है ना। तो अगर मेरा पोजीशन, इफ पोजीशन इक्वल टू 7 हो तो तुम क्या कर दो, रिटर्न कर दो फंक्शन को, ठीक। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डायनो जो है, डायनो स्टेट अगर मेरा डाई है तो ये तो जल्दी से गिर जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पीड इसकी स्लो हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इफ मेरा डायनो स्टेट मेरा डाई है तो मेरा जो फ्रेम लैप्स जो मैंने यहाँ दे रखा है 7 बाय डिफॉल्ट, ये तुम बढ़ा के कर दो 50, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है डाई के केस में। अभी स्टॉप, मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ना वॉक ले रखा है इसीलिए ये वॉक पे जा रहा है। तो अगर आप स्टॉप रखना चाहते हो तो आप स्टॉप लिख दो, तब ये स्टॉप है, स्टॉप पे देखो ये चल रहा है। तो इसे हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम देखते हैं। अब बात करते हैं डाई पे क्या हुआ था। डाई पे जब मैंने क्लिक किया, ये क्या, ये हो गया डाई पे, मर गया एकदम। एक से कुछ इंस्पेक्ट करता हूँ, नहीं कुछ एरर तो नहीं। और एक चीज़ देखो, ये गड़बड़ हो गई है कुछ, ये क्या गड़बड़ हुई है, एनिमेशन मेरा हो नहीं रहा है, बाकी सब काम हो रहा है लेकिन मेरा ये एनिमेशन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं रिकर्सिव फंक्शन से बाहर निकल चुका हूँ, यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया। तो अब ये रिक्वेस्ट एनिमेशन वाले फ्रेम को अब ये कॉल ही नहीं कर रहा है, जब कॉल नहीं करेगा तो एनिमेशन होगा नहीं। तो इसको कैसे ओवरकम करते हैं वो हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट पे जाएंगे, एक रीस्टार्ट का मैं ये लिखूंगा, रीस्टार्ट इक्वल टू फॉल्स रखता हूँ, ठीक है। ये मैं फॉल्स के साथ इसको मैं यहाँ पर इसको मैं यूज करूँगा। यहाँ पर क्या करना, तुम ट्रू कर देना, टू कब करना, यहाँ पर मैं इस डी एल रिस्टार्ट, तो तुम डायनो की एनिमेशन चलाना और बी एल डी स्टार्ट को फॉल्स कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब मैं डाई पे क्लिक करूँगा तो ये धीरे धीरे होके मर गया, ठीक है। अब मैं वॉक पे, अब ये देखो वॉक पे एनिमेशन, ये जो टाइम लैप्स जो मैंने वहाँ पर जो सेट कर रखा है वो 50 हो गया है। अब मुझे जब वापस से यहाँ पर जब क्लिक करे तो टाइम लैप्स मेरा डिफॉल्ट ले लेना चाहिए, तभी ये स्पीड से घूमे चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं ये जो मेरा फ्रेम लैप्स था इसे मैं फिर से बाय डिफॉल्ट जो है क्लिक पे वो हो जाएगा फ्रेम लैप्स 7। अब देखते हैं चला के, ये मैंने डाई हो गया, मेरा मर गया 50 फ्रेम। अब ये देखो मैं सही हो गया, ये जंप हो गया, ठीक है। ये एक चीज, ये डाई एक बार क्लिक होने के बाद देखना, ये दोबारा क्लिक पे वर्क नहीं कर रहा है। ये देखो फिर से मैंने क्लिक किया, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि ये जो है
क्योंकि ये पोजीशन 7 पे ही अटका हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डायनो फ्रेम को वो प्लस प्लस पे इंक्रीज होते जा रहा है और ये पोजीशन पे ही है, तो मुझे डायनो फ्रेम को यहाँ पर ज़ीरो करना पड़ेगा। अब ये चल जाएगा, मैं डाई मर गया, बहुत स्लो में मार रहा हूँ इसे, देख चल गया। ठीक है, अब ज़रा ऑटो की कोड लिख लेते हैं। तो ऑटो की कोड लिखने के लिए मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पर स्पेस लिखूँगा, यहाँ पर एसिंक मेथड मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। क्यों कॉल करूँगा? क्योंकि मुझे यहाँ पर स्लीप की यूज़ पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि एक एक इंटरवल में, मतलब कुछ कुछ सेकंड्स के बाद, जैसे ये पहले आइडियल कंडीशन पे रहे, फिर 5 सेकंड के बाद ये वॉक करने लगे, फिर 5 सेकंड के बाद रन करे, फिर 5 सेकंड के बाद जंप करे, फिर 5 सेकंड के बाद डाई करे, फिर मर जाए। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप हो, इसीलिए मैंने इसका नाम ऑटो रखा है। तो ये हम अचीव करेंगे ये एसिंक फंक्शन के थ्रू। तो करते हैं इसे इम्प्लीमेंट। सो मैं एक फंक्शन स्लीप बना लेता हूँ और ये 3 सेकेंड्स लेगा, मिली सेकेंड्स टाइम लेगा ये, और रिटर्न प्रॉमिस रिवॉल्व सेट टाइम आउट, और टाइम आउट में सेट टाइम आउट कर दिया मैंने, ये मैं यहाँ पर रिजॉल्व जो आएगा मेरा प्रॉमिस वो यहाँ पर हैंडल होगा। ठीक है, यहाँ से ये इतना। अब यहाँ पर मैं एसिंक फंक्शन बनाऊंगा, एक एसिंक ऑटो, अब इसमें मुझे करना क्या है? मान लो किसी ने हाइड ऑटो ऑटो डाई पे क्लिक किया, फिर वो ऑटो पे क्लिक कर रहा है, तो मुझे डाई की फंक्शनैलिटी के बाद ऑटो की फंक्शनैलिटी भी चाहिए होगी। तो वो डाई जो इतना ये सब जो कर रहा है, इसको मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले, और यहाँ पर फ्रेम लैप्स ले लेता हूँ मैं, फ्रेम लैप्स, क्योंकि वो फिर से 50 कर देगा, तो इसे मुझे फिर से 7 पे लाना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। और डायनो स्टेट शुरुआत में क्या रहेगा? वो स्टॉप से स्टार्ट होता है, स्टॉप जो इसका आइडियल कंडीशन है, यहाँ से वो स्टार्ट किया, यहाँ से एनिमेशन मेरा हो रहा है, यहाँ से एनिमेशन होगा। अब इसके बाद मुझे ये दोनों कॉपी पेस्ट मैं करूँगा, फॉरेस्ट की और ग्रास की एनिमेशन मैं सेट करूँगा। तो शुरुआत में मुझे जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है 1700 सेकंड्स, तो शुरुआत में मुझे 1700 सेकंड्स इतने मुझे इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं 17,000 सेकंड से। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड्स कमते जाएगा। उसके बाद मैं एक अवेट स्लीप कॉल कर लेता हूँ, कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे को ना 1, 2, 3, 4 पे सेम ही चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो मैं एक अलग से एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन ये प्ले एनिम, डायनो स्टेट जो है
मैं यहाँ से डाइनर स्टेट्स पास करूँगा, मेरा क्या एक्टिविटी रहेगा, ये मैं यहाँ पर इसे डाल दूँगा, ठीक है। फॉरेस्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो मैं यहाँ से डाल दूँगा, और फॉरेस्ट ड्यूरेशन और ग्रास ड्यूरेशन, फॉरेस्ट ड्यूरेशन और ग्रास ड्यूरेशन, ठीक है। अब इसे मैं कॉल कर लेता हूँ प्ले एनिम। इसके बाद मेरा क्या चलेगा, वॉक, वॉक के लिए मैंने कितना दे रखा है, 300, 200, 300 और ये 200, ये इतना दूर हो गया। फिर से मैं इसे सुला दूंगा 5 सेकंड के लिए, कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब वॉक हो गया मेरा, ये फिर रन के लिए करता हूँ, जंप के लिए भी कर लेता हूँ, डाई के लिए भी कर लेता हूँ, से हटा देता हूँ, ठीक। एक बार ऑटो चला के देखते हैं, अच्छा ऑटो के लिए मैंने इसे कॉल ही नहीं कर रहा, ऑन क्लिक, मेरा ऑटो चल जाए, जो ऑटो मैंने फंक्शन बना रखा है जावा स्क्रिप्ट में, यहाँ पर बना रखा है ये ऑटो, ये चल जाए, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। अभी स्टॉप है, ये क्या चलना ही स्टार्ट नहीं हुआ, देखते हैं कि क्या होता है कंसोल में। टाइम आउट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर मैंने टाइम आउट ही लिख रखा है, यहाँ पर तो MS आएगा, जो कि यहाँ से पास हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब भाई देखो कहीं चला के आ जाओ, चलो हाँ चलना स्टार्ट तो हुआ लेकिन ये कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ ये सही है, ये भी सही है, फिर मर गया। ये चला चला, ये क्यों नहीं चल रहा है, देखना पड़ेगा। अच्छा मैंने यहाँ पर ऐसे छोड़ रखा है, कहाँ से चलेगा, फिर से ये रिलोड हो है ऑटो, हाँ अब चल रहा है, सही हो गया ये। वॉक चल रहा है, रन चल रहा है, स्टॉप चल रहा है, जंप चल रहा है, डाई चल रहा है, ऑटो ऑटो भी चल रहा है, तो ये कंप्लीट, इतना दूर तो हो गया। अब कुछ कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्लिक किया ऑटो, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे बटन हाइड हो जाए और एक बार ये अपना जो एनिमेशन परफॉर्म कर ले पूरी तरह तो फिर से ये बटन आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने सी जावा स्क्रिप्ट में हाइड और शो के लिए फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन शो बटन्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी,
डॉट स्टाइल डॉट स्प्लिट इक्वल टू 9। मैं इसे 7 बार कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, सॉरी 6 बार। सो मेरा क्या क्या है, स्टॉप है, वॉक है, रन है, जंप, डाई, ऑटो और म्यूट। तो हो गया ये म्यूट। इसी तरह मैं हाइड के लिए कर लेता हूँ हाइड। यहाँ क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा, री कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। शो बटन है, बटन इतना हो गया। हाइड बटन कहाँ कॉल करना है, जहाँ पर मेरा ऑटो स्टार्ट होगा, यहाँ से ऑटो स्टार्ट होगा मेरा, हाइड कर देना भाई बटन, ठीक है। और शो करना कब, जब मेरा डाई स्टार्ट हो जाए, मतलब डाई हो जाए ख़त्म, तो मैं शो बटन कॉपी करूँगा। मेरा डाई कहाँ क्लोज होगा, इस एनिमेशन के बाद ये मेरा शो हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं इसे परफॉर्म करता है कि नहीं, घूम रहा है। आ गया, ऑटो स्टार्ट हुआ, बटन्स नहीं है, बटन की विजिबिलिटी नन है। अभी ये टास्क परफॉर्म करेगा तभी वो आएगा बटन, रन, जंप, ये डाई। अब ये मेरा बटन आ गया, स्टॉप पे, वॉक पे, ठीक है। तो ये इतना दूर हो गया मेरा। अब कुछ की डाउन इवेंट लगा लेते हैं, मतलब ये कि अगर मैं अप एरो प्रेस करूं तो ये ऊपर जाए, मतलब जंप करे, इस तरह का कुछ। लेफ्ट बटन क्लिक करूं, मतलब लेफ्ट एरो, तो आगे की ओर जाए। राइट मतलब ये सॉरी, अगर मैं राइट एरो को क्लिक करूं तो ये इधर की ओर जाए, और लेफ्ट एरो अगर मैं क्लिक करूं लेफ्ट, तो ये इधर की ओर जाए। तो उसके लिए मैं की डाउन इवेंट लिख लेता हूं, तो वो मैं कहां पर लिखता हूं नीचे ही। सो डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन इक्वल टू फंक्शन ठीक है। अगर मेरा इस की डॉट की, पहले की कोड आता था लेकिन अब की कोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं की, सो अगर मेरा ये एरो राइट है, एरो राइट है, जब राइट एरो प्रेस हुआ है, तो फिर क्या करेगा ये डायमंड एक ना, सबसे पहले मैं क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट डायनासोर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट, क्वेरी सेलेक्टर मेरा आ जाए। इसमें क्या करो, जो मेरा डाइनो का जो क्लास है कैनवस डाइनो, वो मैं ले लूँ यहाँ। मैं क्या करूँगा कि मेरा जो डायनासोर का जो एक्स है वो होना चाहिए मेरा, जो मेरे को स्क्रीन से जो कंप्यूटेड वैल्यू निकले, स्क्रीन से जो मेरी कंप्यूटेड वैल्यू निकले वो मैं सबसे पहले निकालूंगा, और उसके साथ मैं कुछ
जैसे 50px या 100px मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा। जैसे मान लो कि ये मेरा स्क्रीन है और ये मेरी कंप्यूटेड वैल्यू निकली कि अभी ये स्क्रीन के एक्स वाई और वाई कोऑर्डिनेट पे कहाँ पर खड़ा है। तो लेट सपोज कि ये स्क्रीन के 400px पे खड़ा है, px पे खड़ा है, ठीक है। जब मैं राइट अपना जो ये राइट एरो अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये 50px बढ़ जाए, यानी कि 50px बढ़ जाए। तो ये 400 + 50 450px ये आगे की बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट एरो की अगर मैं दाबू तो ये 50px छोटा हो जाए। तो यहाँ पर मान लो कि ये मेरा 400px पे खड़ा है तो ये -50 कर दूंगा। तो यही लॉजिक मैं यहाँ पर ये करूँगा। तो उसके लिए मुझे निकालने के लिए मुझे विंडोज़ की कंप्यूटेड वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। सो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से विंडोज़ डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल किसकी, ये जो डायनासोर मैंने लिया है ये, और इसकी प्रॉपर्टी और एक लेती है, इसको मैं नल रख देता हूँ फिलहाल के लिए। और इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए मुझे, प्रॉपर्टी वैल्यू किसकी चाहिए, लेफ्ट की। सो मैं लेफ्ट लिख लेता हूँ यहाँ, लेफ्ट। हो गया। अब यहाँ से मेरा पोजीशन पता चल जाएगा कि ये कितने पिक्स पे खड़ा है, इसको अब आगे की ओर धकेलना है। सो मुझे ये मेरा डायनासोर है, ये इसकी तुम स्टाइल ले लो, इसका जो लेफ्ट है इसमें तुम ये जो मेरा निकला है डायनासोर एक्स इस पे 55px पढ़ा दो। इतना दिन मेरा ये हो गया, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ तो समझ आ जाए। और इसे मुझे इंट पे पार्स करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत होगी। इतना दूर हो गया, देखते हैं कि ये वो करता है कि नहीं। मेरा आया, मैं एरो ये कर रहा हूँ तो ये आगे की ओर जा रहा है। अब मुझे लेफ्ट एरो के लिए भी मैं सेम ये चीज़ लिख दूंगा, ये इफ कंडीशन में आएगा, इसके लिए भी लेफ्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट लेफ्ट जब ये हो तो ये माइनस की ओर जाना चाहिए। अब ये माइनस की ओर जा रहा है, ये आगे की ओर जा रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये अब मैं एरो अप की की लिखूंगा, ठीक है। अब एरो अप की मैं की लिखने वाला हूँ। सो अगर मेरा ये एरो अप के लिए, यहाँ पर मैं क्लास बनाऊंगा, देखना कैसे, डायनासोर क्या, इसे मैं क्लास दूंगा। क्लास मैंने बनाया नहीं है, मैं क्लास बनाऊंगा उसे, एनिमेटेड डायनासोर ये क्लास, ठीक है, ये क्लास दूंगा। और ये क्लास अप्लाई होने के बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के बाद ये क्लास अप्लाई होके नहीं रहे, ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वो आ जाए। मतलब ये कि अगर मैंने क्लास अप्लाई किया, लेट सपोज कि मैंने जंप का क्लास अप्लाई किया तो ये जंप करके यहीं पर ही रहेगा, तो उसे फिर से मुझे नीचे लाना है, मतलब करंट पोजीशन पे भी तो आके उसे रहना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो क्लास मैंने बनाया है उस क्लास को रिमूव भी कर दूंगा कुछ सेकंड के बाद। तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा लेते हैं,
और इसमें डायनासोर को यही वाले को मैं रिमूव कर लूँगा। कितने सेकंड्स के बाद? 1 सेकंड्स के बाद ये इतना करेगा। अब यहाँ पर मैं CSS पे, मैं यहाँ पर क्लास नेम क्या दिया था, एनिमेटेड डायनासोर, तो यहाँ CSS पे जाके इसको यहाँ एक एनिमेशन लिख कर देता हूँ, एनिमेशन, और एक की फ्रेम मैं दे दूंगा मूव अप का, मूव अप डायनासोर, और ये लीनियर रहेगा 1.0 सेकेंड। ठीक है, मैं की फ्रेम एक बना लेता हूँ, ये 0% पे क्या अच्छा रहेगा, फिर 50 पे कैसा रहेगा, और ये 100 पे कैसा रहेगा। ठीक है, अब मैं ज़रा ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर मैंने टॉप 83% को दे रखा है, तो मैं टॉप वाले चीज़ को एट्रीब्यूट्स को मैं यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो 0% पे मेरा तो टॉप से 83% है वो कैनवस डाइनो, और 100% पे वही हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मुझे चेंज करना है 42, 40 भी कर सकता हूँ। अब ये मूव फॉरेस्ट नहीं होगा, ये मूव डायनासोर होगा। ठीक है, तो इतना मैंने कर दिया, ये चलता है कि नहीं देखता हूँ मैं। और ये देखो मेरा, ओ ये मेरा अब की काम कर रहा है, ये आगे और ये पीछे। अब इस पे साउंड इफेक्ट्स डालते हैं। तो साउंड इफेक्ट्स के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ म्यूजिक काट रखे हैं, डाई के लिए क्या बजेगा, जंप के लिए, रन के लिए, स्टॉप के लिए, वॉक के लिए। तो मैं ये क्या करूँगा, मैं ये म्यूजिक फोल्डर यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर पे डाल दूँगा। ठीक है, स्क्रिप्ट पे जाते हैं और डिक्लेरेशन कहाँ है, लेट यहाँ पर मैं गेम ऑडियो को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ऑडियो। नीचे आके एक ना फंक्शन बना लेता हूँ गेम ऑडियो का, फंक्शन प्ले गेम ऑडियो। इसमें है कि ये जो साउंड है, अब जैसे स्टॉप का जो साउंड है वो कुछ सेकंड्स का है, जैसे मान लो कि 10 सेकंड्स का, तो मैं चाहता हूँ कि ये बार बार बजता रहे, तो मैं लूपिंग के लिए यहाँ पर एक बुलियन का यूज़ करूँगा। तो स्टॉप के लिए ये बार बार वही म्यूज़िक को रिपीट मोड पे चलाता हुआ रहेगा, और इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा। डाई के लिए मैं मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि नहीं, एक ही बार ये बज के स्टॉप हो जाए, तो वो चीज़ मैं कैसे हैंडल करूँगा वो हम देखते हैं। तो अगर गेम ऑडियो अगर कोई बज रहा हो तो उसे आप पॉज कर देना, वरना डबल साउंड्स आएंगे। लेट सपोज कि स्टॉप पे क्लिक करने के बाद आपने वॉक पे क्लिक कर दिया, फिर रन पे, तो स्टॉप की भी म्यूजिक बजेगी, वॉक की भी बजेगी, रन की भी बजेगी। सो एट ए टाइम अगर रन पे फिर इसने क्लिक किया, तो अगर उसने वॉक इसके पहले बज रहा हो तो वॉक को पॉज कर देना। तो इसके लिए मैंने ये लिखा है गेम ऑडियो न्यू ऑडियो, यहाँ पर मैं वो स्ट्रिंग पास कर दूंगा यहाँ से जो मैं ऑडियो बजाना चाहता हूँ, ऑडियो नेम। और यहाँ पर एक मैं और ले लेता हूँ कि लूप, लूप में चलाना है कि नहीं, यहाँ मैं ऑडियो नेम ले लेता हूँ। गेम ऑडियो डॉट प्ले,
और गेम ऑडियो का जो लूप होगा, गेम ऑडियो डॉट लूप, वो तुम बूलियन से उठा लेना जो वैल्यू यहाँ पर पास होएगा। एक स्विच के स्टेटमेंट लिख देते हैं, फंक्शन प्ले म्यूजिक। यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करूँगा एक्टिविटी क्या होगा, जो एक्टिविटी होगा उसी हिसाब से साउंड्स होंगे। तो स्विच एक्सप्रेशन क्या रहेंगे, एक्टिविटी केस, केस अगर भाई स्टॉप है तो तुम इसे कौन सा साउंड कहाँ से लोगे, ये एसेट्स फोल्डर से, इसके बाद म्यूजिक, फिर स्टॉप डॉट लूप चाहिए होगा तो लूप चाहिए तो भाई थ्रू कर दो। इसके बाद ब्रेक, तेरा कॉपी पेस्ट अब मार लो सबने। स्टॉप यहाँ, वॉक, रन, जंप, डाइव, ठीक है। ये म्यूजिक प्ले करोगे और इसे कब म्यूजिक प्ले करोगे, जब मेरा बटन पे क्लिक होएगा। तो बटन क्लिक कहाँ है, बटन क्लिक मेरा यहाँ है, प्ले म्यूजिक बजा दोगे यहाँ से। यहाँ पर एक्टिविटी क्या पास कर दोगे, ये पास कर दो इनपुट में, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लूप होगा और यहाँ पर फॉल्स होगा कि मैं ये, और साथ ही साथ में क्या करता हूँ, पॉज के लिए भी बना लेता हूँ फंक्शन, मतलब म्यूट के लिए या स्टॉप के लिए जो भी बोलो, मैं पॉज ले लेता हूँ, म्यूट हो जाएगा सर। ऑडियो पॉज कर देता हूँ, यहाँ पर बटन पे ऑन क्लिक म्यूट हो जा, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट। ऑटो के लिए भी म्यूजिक मैं दे ही देता हूँ, यहाँ से एक कोई भी म्यूजिक उठा लेता हूँ, मैं रन वाला ही म्यूजिक दे देता हूँ ऑटो में। तो ऑटो का जहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा होगा यहाँ, यहाँ पर वो दे दूँगा, ठीक है। अब इसे चला के देखते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग HTML और एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।